नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो अक्सर चर्चा में बना रहता है, आयुर्वेद का पुनर्जागरण। आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे हम लोग, देखेंगे कि अभी आखिर क्यों संदर्भ में चर्चा में। अभी आयुर्वेद से तात्पर्य क्या होता है, क्या होता है आयुर्वेद, आयुर्वेद की विकास की यात्रा की बात करेंगे, इसका इतिहास यानी कि देखेंगे, आयुर्वेद से संबंधित चुनौतियां क्या क्या है, समस्याएं क्या है इसके सामने, और आयुर्वेद का महत्व क्या है हमारे लिए, और इसमें आगे की राय क्या हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। प्राचीन चिकित्सा प्रणाली में बीमारियों के इलाज और एक स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व करने के सर्वोत्तम तरीकों में आयुर्वेद को उच्च स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में आयुर्वेद ने अपनी और सभी का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि भारत सरकार ने वैश्विक महामारी COVID-19 से लड़ने के प्रयासों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद संगठनों की उपयोग का आह्वान किया है। और याद रखिए, इस तरह की जो भी आयुर्वेद की तरफ से आपको जो भी औषधियां दी जाती हैं, उनसे अगर फायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान भी नहीं होता है। इसमें आपने एक सुना होगा, गिलोय बहुत लाभदायक होता है। आप जब आपकी अगर मलेरिया मलेरिया हो जाए आपको, या डेंगू हो जाए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, तब आपको यही पीने के लिए सलाह दी जाती है काढ़ा बनाकर। और ये बाबा रामदेव भी डिब्बों में बंद करके पैकेट पैकेजिंग करके भी बेचते हैं, तो ये बहुत बढ़िया रहते हैं। तुलसी का पत्ता हो गया। सरकार ने COVID-19 के रोकथाम हेतु प्रतिरोधी या फिर उपचार में चयनित और मानवीय के आयुर्वेदिक दवाओं को के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए अभिनय नैदानिक दवा परीक्षणों की घोषणा भी की है। याद रखिए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आप देख रहे हैं कि हो तो रहा है 100 लोगों को, मतलब हर व्यक्ति को देख रहे हैं आप लोग कि कितने अपने यहाँ 9-10 लाख के करीब जा रही है संख्या होने COVID-19 यानी कि कोरोना पॉजिटिव लोगों की, लेकिन इनमें से मरते कम ही लोग हैं, कम ही लोगों की मृत्यु होती है। जिनकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है वो इस कोरोना वायरस से बाहर आ जाते हैं, इसे हरा देते हैं। ये उसी तरह ले सकते हैं आप लोग कि आपकी आर्मी है, आर्मी को आप प्रतिरोधक क्षमता कह लीजिए, और जो आपके बाकी देशों की जो भी आर्मी है, यानी कि आतंकवादी कह लीजिए, फिर चाहे नक्सलवादी कह लीजिए, जो भी कहना हो आपको, जब वो हमारे देश में मतलब विखंडित करने की या कोई परेशानी खड़ी करते हैं, तो हमारे सैनिक उन्हें बुरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देते हैं। क्यों देते हैं आप समझ सकते हैं, हमारी आर्मी तगड़ी है, मतलब मजबूत है, तभी तो दे रहे हैं। अगर कमजोर होते तो हम लोग हार जाते, और अभी तक कई मतलब बुरी तरह से हमारा देश प्रभावित हुआ होता। लेकिन आप देखते हैं कि हर बार पाकिस्तान को मुंह ही खानी पड़ती है। तो इसी प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहे हैं कि अगर आप पर कोई भी बीमारी हावी होती है, कोई भी वायरस हावी होता है, तो अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो आप उसे आराम से हरा सकते हैं। आधुनिक बीमारियों के इलाज में आयुर्वेद के बढ़ते महत्व को देखते हुए अब यह अधिक सक्रिय रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल प्रणाली में प्रतिभाग करने के लिए तत्पर है। इस प्रकार एक आधुनिक जीवंत स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली में इसकी प्रगति और परिवर्तन की निगरानी करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग आयुर्वेद से तात्पर्य यानी कि क्या होता है, अगर इसके बारे में बात करें, तो आयुर्वेद प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैद्य शास्त्र चिकित्सा पद्धति है। संस्कृत भाषा में आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। संस्कृत में मूल शब्द आयुर् का अर्थ होता है दीर्घ आयु या फिर आयु, और वेद का अर्थ विज्ञान है। आपने सुना होगा रामायण, देखी होगी, लगभग सभी ने देखी होगी। उसमें भी आप देखते हैं कि जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, तब उसी आयुर्वेद आयुर्वेद आचार्य को ले आते हैं, तो वो जड़ी बूटियों से ठीक करते हैं। तो यही है, अभी भी आप गांव की तरफ देखते हैं कई संत होते हैं, बाबा होते हैं इस तरह के, कि वो भी जड़ी बूटियां दे देते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी भी सही हो जाती है। एलोपैथी औषधि विषम चिकित्सा रोग के प्रबंधन पर केंद्रित होती है, जबकि आयुर्वेद रोग की रोकथाम और रोग को उत्पन्न करने वाले मूल कारण को निष्कासित करने का पर केंद्रित होता है। आयुर्वेद के अनुसार जीवन जीवन के उद्देश्यों यथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य पूर्वापेक्षित है। यह मानव के सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं का समाकलन करता है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आयुर्वेद तन, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर
व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार करता है। आयुर्वेद में ना केवल उपचार होता है बल्कि यह जीवन जीने का एक ऐसा तरीका सिखाता है जिससे जीवन लंबा और खुशहाल हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ जैसे तीनों मूल तत्वों में संतुलन से कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है, परंतु यदि इनका संतुलन बिगड़ता है तो बीमारी शरीर पर हावी होने लगती है। अतः आयुर्वेद में इन्हीं तीनों तत्वों के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने पर भी बल दिया जाता है ताकि व्यक्ति सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में कम बीमारी फैलती थी क्योंकि लोग सब तरह से खाना खाया करते थे। आप आदिवासियों में भी देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि उनमें बीमारी फैलने का कोई चांस रहता है क्योंकि वो इस तरह के मतलब भोजन लेते हैं कि उनका प्रतिरोधक क्षमता के लिए काफी होता है वो पोषण, समझ रहे हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेद की विकास यात्रा, स्वतंत्रता से पूर्व देखते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पूर्व की बात करते हैं। ब्रिटिश राज ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अवैज्ञानिक, रहस्यमयी और केवल एक धार्मिक विश्वास माना। परिणाम स्वरूप इस चिकित्सा पद्धति को नष्ट करने का भी प्रयास किया गया। वर्ष 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेद के शिक्षण कार्य को निलंबित कर दिया गया। हालांकि उपनिवेशिक शासन के दौरान कई प्राच्यविदों ने वैदिक ग्रंथों को पुनर्प्राप्त करके आयुर्वेद को अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया है। प्राच्यविदों ने आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने में बड़ा योगदान भी दिया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद हुए राष्ट्रीय विद्रोह और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में नई ऊर्जा का संचार किया। इस दौरान कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने स्वयं को एक पेशेवर चिकित्सा संगठन में संगठित किया और चिकित्सीय पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया। आप जानते हैं कि अभी भी कई इस तरह के डॉक्टर हैं जो साइंस पर आधारित होते, मतलब आप समझ रहे हैं, जो बाहरी तो वो हंसते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि आयुर्वेद जैसा मतलब कोई इलाज नहीं है इस तरह का। अंग्रेजों के समय देखते हैं, अंग्रेज मतलब हम लोगों को बेवकूफ समझते थे, वो साइंस पर आधारित बोलते थे और हम धर्म पर आधारित बोलते थे, तो समझ रहे हैं उनका भी तर्क अपनी जगह सही है और हमारा भी अपनी तरह सही है। स्वतंत्रता के बाद आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। इसके पीछे तर्क दिया जाता है ताकि एक संयुक्त चिकित्सा प्रणाली व्यक्तिगत विज्ञान के रूप में आयुर्वेद से अधिक प्रभावकारी होगी। स्वतंत्रता के बाद कोलकाता, बनारस, हरिद्वार, इंद्रौर, पूना, बंबई आयुर्वेद के प्राचीन उत्कृष्ट संस्थान के रूप में स्थित थे। 1960 के दशक में विशेष रूप से गुजरात और केरल में अच्छी तरह से नियोजित मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विकास में तेजी आई, परंतु आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नेपथ्य में ही रही। हालांकि आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा पद्धति को वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी की स्थापना सुप्रोत्साहित किया गया, यानी कि इसके लिए एक मंत्रालय भी बनाया गया, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने सभी हितधारकों के साथ संचार का एक कुशल नेटवर्क स्थापित किया तथा शिक्षा, अनुसंधान और संरक्षण के माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को संरक्षित भी, यानी कि इसकी सुरक्षा भी की। एक बात याद रखिए कि आयुर्वेद पर हम सबको भरोसा है, लेकिन कई इस तरह के व्यापारी टाइप के लोग उत्पन्न हो जाते हैं जो इसके आड़ में लाभ उठाने का फायदा करते हैं, उठाते हैं, समझ रहे हैं, तो उनसे बच के रहिए। आयुर्वेद पर भरोसा करिए आप लोग, लेकिन ऐसे मतलब व्यापारियों से दूर रहिए जो इसका फायदा उठाते हुए बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। अगर हम लोग आयुर्वेद से संबंधित चुनौतियों की समस्याओं की बात करें, अगर तो विषम परिस्थितियों में अप्रभावी उपचार, गंभीर संक्रमण और शल्य चिकित्सा सहित अन्य आपात स्थितियों में आयुर्वेद की न्यूनतम प्रभावकारिता और सार्थक चिकित्सीय अनुसंधान की कमी आयुर्वेद की सार्वभौमिक स्वीकृति को सीमित कर देती है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अत्यधिक जटिल व निषेधात्मक है। आयुर्वेदिक दवाओं की कार्यप्रणाली काफी धीमे है। आयुर्वेदिक दवाओं की प्रभावकारिता का पूर्वानुमान करना कठिन कार्य है। एकरूपता का अभाव, आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धति एक समान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली औषधीय पौधे भौगोलिक जलवायु और स्थानीय कृषि प्रथाओं के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। आयुर्वेद के विपरीत आधुनिक चिकित्सा पद्धति में रोगों को वर्गीकृत किया जाता है और पूर्व में निर्धारित मानदंडों के अनुसार इलाज किया जाता है। आयुर्वेदिक फार्मा द्वारा भ्रमक प्रचार,
आयुर्वेदिक फार्मा उद्योगों ने दावा किया कि इसकी निर्माण पद्धतियां शास्त्रीय आयुर्वेद ग्रंथों के अनुरूप थीं। आयुर्वेदिक दवाओं की बेहतर बाजार हिस्सेदारी के लिए दवा कंपनियों ने पर्याप्त वैज्ञानिक आधार के बिना अपनी आयुर्वेदिक उत्पादों के बारे में कई औषधीय दावों को प्रचारित किया। मानव मान्यता का अभाव। विभिन्न देशों में आयुर्वेदिक को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त हो पाई। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में रुचि लेने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। अधिकांश देशों ने आयुर्वेदिक को चिकित्सा के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है और उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग पर कई प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। फिर आपका गहन अध्ययन की कमी। वर्ष 2004 में एक प्रमुख अमेरिकी जनरल ने अमेरिका में बेची जाने वाली कुछ आयुर्वेदिक दवाओं में भारी धातुओं आर्सेनिक मरकरी लेड के अतिशय प्रयोग पर चिंता व्यक्त की है। भारी धातुओं का अतिशय प्रयोग स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इस जनरल के प्रकाशित होने के बाद दुनिया भर में आयुर्वेदिक दवाओं की निंदा हुई और सरकार ने आयुर्वेदिक दवाओं में भारी धातुओं का परीक्षण अनिवार्य कर दिया और आयुर्वेदिक दवा कंपनियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों का पालन करने के लिए कहा गया है। WHO आयुर्वेद में उप मानक अनुसंधान। पिछले 5 दशकों में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान मुख्य रूप से अन्य चिकित्सा प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसरण तक ही सीमित था। यह पाया गया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में अध्ययन के तरीके और डेटा के निर्माण व गुणवत्ता का मानकीकरण निम्न स्तर का है, लो क्वालिटी का। अगर हम लोग आयुर्वेद के महत्व की बात करें तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य व्यक्तियों को भी विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इस दृष्टिकोण से आयुर्वेद के अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य को 7 श्रेणियों अथवा प्रकृति में वर्गीकृत किया गया। दरअसल मनुष्य की प्रकृति का निर्धारण जन्म के समय ही कर लिया जाता है और यह जीवन भर इसी प्रकार बनी रहती है। वात, पित्त और कफ इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, जिनका निर्धारण व्यक्ति के अनेक लक्षणों जैसे शारीरिक संरचना, भूख, त्वचा के विकार, एलर्जी, संवेदनशीलता आदि से किया जाता है। अन्य 4 श्रेणियां इनके बिल्कुल विपरीत हैं। अतः वे दवाइयां जो वात के लिए कार्य करती हैं वे कफ के लिए कार्य नहीं करती हैं। परंतु शोधकर्ता यह पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि आयुर्वेद की सभी श्रेणियों के आणविक स्तर के मध्य अंतर विद्यमान है। यदि यह कहा जाए कि वारफेरिन जैसी दवाओं का उपयोग ब्लड थिनर के रूप में किया जाए तो निष्कर्ष निकलता है कि भिन्न भिन्न प्रकृति के रोगियों के लिए दवा की अलग अलग खुराक की आवश्यकता होती है। विदित हो कि ब्लड थिनर हार्ट अटैक के जोखिम को कम करने में सहायता करते हैं तथा रक्त का धक्का नहीं बनने देते हैं। किसी रोगी की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक आयुर्वेद चिकित्सक द्वारा रोगी का 1 घंटे तक साक्षात्कार लेना आवश्यक होता है। परंतु अब वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकृति के व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को विकसित किया जा चुका है। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? रिवर्स औषध विज्ञान अनुसंधान। आयुर्वेद में एक बहुत ही रोचक विकास रिवर्स औषध विज्ञान अनुसंधान की वैचारिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसे मुंबई में एक आयुर्वेद शोधकर्ता ने तैयार किया था। इसके द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों की बीमारियों की बदलती प्रकृति के अनुसार विकसित करने के लिए प्रलेखित नैदानिक अनुभवों और अनुभवात्मक टिप्पणियों को समेकित कर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अंग के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर आपका न्यू मिलेनियन इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव। भारत सरकार ने द्वारा वर्ष 2001 में सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी मॉडल में एक दूरदर्शी अनुसंधान परिषद विकास कार्यक्रम के रूप में इसे शुरू किया। भारत सरकार की ओर से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा इस कार्यक्रम का प्रबंधन किया जाता है। इसका उद्देश्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सहायता से सभी प्रमुख क्षेत्रों में तकनीकी विकास के माध्यम से भारत को एक नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान करना। वैश्विक स्तर पर भारत के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली सक्षम औद्योगिक क्षमता वाला एक क्षेत्र है। केरल मॉडल का अनुसरण। केरल एक ऐसा राज्य है जहां आयुर्वेद स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान रखता है। केरल सरकार राज्य की आम जनता की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के उपाय के रूप में आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहा है। यह आयुर्वेदिक संगठनों को प्रोत्साहन देता है
और अपनी आबादी के सभी आयु की आयु वर्ग की जनसांख्यिकीय सांख्यिकी के लिए आयुर्वेद प्रथाओं की सिफारिश करता है। केरल मॉडल को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में अपनी प्रभावशीलता के लिए दुनिया भर में सराहना भी मिली है। आपने देखा है कोरोना वायरस से केरल ने किस तरह से निपटाया हुआ है, यही उसी की धरती है, देख रहे हैं आप लोग। और वैसे केरल हमारे यहाँ से सभी राज्यों में बेहतर स्थिति में है, लिंगानुपात में देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो ये थी आपकी आयुर्वेद की कहानी, ठीक है।